राजा महाराज, किसी ने कहा आपने संस्कृत में रचना क्यों नहीं की? वाल्मीकि जी ने देखो संस्कृत में की है, और भी महाराज बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है। आपने ये हिंदी भाषा अवधी भाषा में रचना क्यों की? आपको आप क्या आपको क्या संस्कृत नहीं आती? क्या गोस्वामी जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है? आप गोस्वामी जी के रचित श्लोकों को देखो महाराज, कितने सुंदर, एक से एक सुंदर महाराज श्लोक है, एक से एक दिव्य श्लोक है, ज्ञान से परिपूर्ण श्लोक है। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना हिंदी में क्यों की, अवधी भाषा में क्यों की? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा रामचरितमानस सरल व्यक्तियों के लिए बड़ा सरल है और ज्ञानियों के लिए बड़ा कठिन है। यानी हर सरल हृदय तक ये राम कथा पहुंचे। संस्कृत पढ़ना बड़ा मुश्किल है। देखो सबसे पहले वेद थे, जब वेदों को पढ़ना मुश्किल हो गया तो वेदों का सार आया पुराणों में, पुराण वेदों से सरल है। फिर धीरे धीरे महाराज संस्कृत का लोप होता चला गया, पुराणों के श्लोकों को समझना भी कठिन हो गया। तो भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की प्रेरणा से और तुलसीदास जी महाराज ने उन्हीं श्लोकों का भाव अवधी भाषा हिंदी में महाराज कर दिया। उन्हीं श्लोकों का भाव रामचरितमानस की चौपाइयां ठीक पुराण और वेद शास्त्र के श्लोकों की, उनकी एक एक श्लोक का सटीक महाराज उदाहरण रामचरितमानस की चौपाइयों में मिल जाएगा, एक एक सटीक उदाहरण। ये संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा नारियल फोड़न में कठिनाई, गिरी फोड़ तुलसी धरी और जो चाहे सो खाए। संस्कृत भाषा क्या है? नारियल। नारियल की क्या विशेषता होती है? ऊपर से कठोर होता है और अंदर से बड़ा कोमल होता है नारियल, बड़ा मीठा होता है नारियल। तो संस्कृत भाषा नारियल की तरह है कि जब तक उसके अंदर नहीं डूबो तब तक बड़ी कठोर लगती है, कठिन लगती है, लेकिन संस्कृत भाषा में डूब जाओ आप तो बड़ा आनंद आता है हमारा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा नारियल फोड़न में कठिनाई, फोड़ना बड़ा मुश्किल है नारियल को, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया? तुलसीदास जी महाराज ने गिरी फोड़ तुलसी धरी, नारियल को फोड़ करके जो अंदर की गिरी गिरी थी ना वो निकाल करके महाराज रख दी, जो चाहे सो खाए। और इसीलिए ये जो रामचरितमानस है ये विद्वानों के लिए तो कठिन है लेकिन सरल व्यक्ति के लिए बड़ा सरल है। भागवत का श्लोक किसी को याद हो या नहीं हो लेकिन रामचरितमानस की चौपाई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी आपको याद मिल जाएगी। एक किसान भी जब पानी नहीं बरसता महाराज और बाद में बरसता है फसल सूखने के बाद, तो वो भी रामचरितमानस की चौपाई बोलता है, का बरसो जब कृषि सुखाने, जब सूख गई तो भैया क्या बरसा है। तक उसे भी चौपाई याद है, किसान को भी चौपाई याद है। को नृप होई हमई कहानी, इतनी सरल है ये राम कथा रामचरितमानस कि ये जन जन तक महाराज पहुंच रही है, जन जन की वाणी पर इसका गान हो रहा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। बोले भैया जहां कम्बल से काम चलता है वहां दुसाले की क्या जरूरत है। तो जब इस भाषा के माध्यम से जन जन तक भगवान का नाम पहुंच रहा है तो अब चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सुंदर महाराज
इस प्रकार सात श्लोकों में तुलसीदास जी महाराज ने वंदना करते हुए और भगवान को प्रणाम किया। जो सुमृत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचा पंगु चढ़ई गिरिवर जा सुकृपा सुदया द्रवम सकल कलिमल।